हेलो गाइस, मैं बैकबेंचर एफएक्स सेरिशियास आपके लिए फिर एक और ट्यूटोरियल लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हम टैक्स अपने वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हैं, हम अपने वीडियो में टैक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सीधा आते हैं प्रीमियर प्रो पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किसी भी वीडियो के ऊपर, किसी भी फोटो के ऊपर और किसी भी लेयर के ऊपर हम अपने टैक्स डाल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो ले लेता हूँ, कोई भी, क्या इसके ऊपर मुझे टैक्स अप्लाई करना है। जैसे सपोज मुझे यहाँ लिखना है बिल्डिंग, तो हमारे पास यहाँ एक नीचे ऑप्शन होता है टैक्स का। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अपनी प्रीव्यू विंडो पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास टैक्स का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसमें लिखता हूँ बिल्डिंग, राइट, और बाहर आके हम क्लिक कर देते हैं। अब हमें इसका साइज, रोटेशन, कलर सारे ऑप्शन मिलेंगे इफेक्ट टैब में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लेयर का साइज अपने फुटेज जितना कर लेते हैं। अगर हमें कंप्लीट फुटेज पे टेक्स्ट चाहिए, तो अगर हम इन बिटवीन या थोड़ा सा चाहिए, तो हम इसकी ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे पूरे अपने फुटेज पे चाहिए, तो मैं इसको अपने पूरे फुटेज जितनी ड्यूरेशन पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप इस वीडियो पे क्लिक करो, ये इफेक्ट कंट्रोल में आपकी सबसे पहला टैब खुलेगा ग्राफिक्स का, इसमें है टैक्स, जो हमने टाइप करे नेम, वो इसका नेम आ गया बिल्डिंग। इसको ओपन करेंगे, हम यहाँ से अपने टैक्स का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो सा ही फॉन्ट आपको पसंद आए यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है, आप इसको इटैलिक, बोल्ड, जो भी जिसमें जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जिस भी फॉन्ट पे, अगर आपके पास रेगुलर होगा तो आप रेगुलर सिलेक्ट कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, वो फॉन्ट टू फॉन्ट डिपेंड करता है। जिस फॉन्ट में आपके पास जो प्रॉपर्टीज होंगी, आप उसको वैसे सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। देखो इसमें रेगुलर है, इसमें भी रेगुलर है, ऐसे कई फॉन्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं। रेगुलर है इसमें, बोल्ड भी है इसमें, राइट। तो ये जो चीज है हमारी नेक्स्ट, ये है स्केल, आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्केल कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो टैब, ये जो सारे आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं, इससे आप इसको असाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग पोजीशन इसकी। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आता है फिल। फिल का मतलब है कलर्स, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो, जो भी कलर आप इसका देना चाहते हो। ओके, इससे ऊपर जो ये सारे ऑप्शन थे, अप्लाई करके देख सकते हो, राइट। ये टैक्स वाला जितना भी ये टैब है, ये लगभग लगभग हर सॉफ्टवेयर में सेम होता है, ये सारे ऑप्शन आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग को चेंज कर करके देखो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रोक, तो जैसे आप इसको ऑन करोगे, तो मतलब हमें स्ट्रोक मिल जाता है चारों, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम उसको कलर कर सकते हैं, जैसे कोई पीला कलर चाहिए, ठीक है, और लाइट पीला, वाइट, ठीक है। इसके नीचे आपको इसका मिलता है साइज, आपको कितना साइज में रखना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वैसे सेट कर सकते हो। आप इसमें शेडो ऐड कर सकते हो, किस एंगल पे चाहिए और कितनी चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। फिर आता है इसकी पोजीशन, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी पोजीशन कर सकते हो, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगेन स्केल कर सकते हो आप, तो टेक्स्ट में इतना ही है। आप जितना भी इसको करके देखोगे, आपको स्पेसिंग बढ़ानी है आपस में हर अल्फाबेट के बीच में, तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। सब आपको अप्लाई कर करके देखना होगा, राइट। सेम आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में ये इसकी ओपेसिटी जीरो रहे, धीरे धीरे बढ़े एंड आगे जाके फिर धीरे धीरे फेड आउट हो जाए, तो इसका ट्यूटोरियल, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था इसका, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो
वो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं है, धीरे से आएगा और ये धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जब हम इस टेक्स्ट लेयर पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ना राइट साइड पे एक असेंशियल ग्राफिक्स का एक टैब आ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर हम इसको यूज़ करना सीख लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। है मुझे चेंज नहीं करना इसलिए मैं बिल्डिंग ही रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा सॉरी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं यहीं से। राइट, हम इसका स्केल भी यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रो की ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं और कब खत्म होगा ये सेट कर सकते हैं। हम इसको रोल कर सकते हैं जैसे नीचे से ऊपर, देखो कि हमें नीचे से ऊपर जैसे अपना सबटाइटल्स ऐड होते हैं उसको रोल कर सकते हैं। प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ऑटोमेटिकली एनिमेशन इसमें ऐड हो गया है। राइट, अभी मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है जब आप अपने टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट करते हो तो ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये लगभग यहाँ वाली टैब के जैसे ही हैं, बट हमें इसमें अलाइनमेंट टूल और मिल जाता है। हम अपने इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, बिल्कुल अभी एग्जैक्ट सेंटर में है हमारे। ठीक है, हम अप डाउन इधर उधर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। हमें लेफ्ट साइड चाहिए, हमें लेफ्ट साइड सेंटर में चाहिए, जहाँ भी चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो इससे आप इजीली इसको सेट कर सकते हो, स्टाइल आप इसका चेंज कर सकते हो। ये फॉन्ट वाला टैब, इसे रिपीट जो सारे ऑप्शंस यहाँ पे थे वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। सेम कलर का, स्ट्रोक का, सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। ठीक है, अब प्रीमियर प्रो हमें कई सारे बने बनाए प्रीसेट भी देता है टेक्स्ट के लिए। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। राइट, सिर्फ आपको बताने के लिए। देखो हमारे पास बहुत सारे बने बनाए प्रीसेट्स हैं। ये आपको कहाँ मिलते हैं? एसेंशियल ग्राफिक्स में ब्राउज ऑप्शन में जाओगे तो ये बहुत सारे आपको ग्राफिक्स यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, हम इसको अपने फुटेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज मुझे ये अप्लाई करना है, राइट, मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर, इसको उठा के या फिर उठा के भी ला सकते हो। ओके, तो जब हम इसको ले आए तो अब हमें क्या इसमें अपने टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड कैसे करते हैं? जैसे इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, जैसे मेरे को डालना है बैकमेंचर इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने ऊपर ऐड कर लिया टैग। अब हमें अगर नीचे डालना है तो हम फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल क्लासेस लिख सकते हैं। ये बट ये तो हमारा एक प्रीसेट है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कोई एनिमेशन नहीं है। बट इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें ऑटोमेटिक एनिमेशन है, तो उनको भी इसी तरीके से आप सेट कर सकते हो। बहुत सारे ग्राफिक्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये वाला अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको, मैं नीचे वाले को डिलीट कर दूँगा। मैं नीचे वाले को डिलीट कर दूंगा एंड आई थिंक ये यहाँ इसमें है नहीं, इस टाइम शायद ये आ गया। राइट, तो ये लोड हो गया है। तो इसमें भी हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। हमें बस क्या करना है, हमें इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ राइट साइड में हमारा एक टैब खुल गया जिसमें हम इसका चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपना नाम बैकबेंचर एंड नीचे लिख देता हूँ ट्यूटोरियल क्लासेस, ट्यूटोरियल लिख देता हूँ जस्ट ट्यूटो क्लासेस। राइट, उसके बाद हम यहाँ एनिमेशन की स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, एनिमेशन की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, हम कलर लोगो वोगो सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा है, कि हमारा इसका क्या आउटपुट रहेगा। तो इस तरीके से सर यहाँ पे हम सारे जितने भी बने बने प्रीसेट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। राइट,
तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन है जो बताने रह गए थे। जब हम अपने प्रोजेक्ट टैब में राइट क्लिक करते हैं और न्यू आइटम पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सीक्वेंस मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें एडजस्टमेंट लेयर का, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इसमें है बार एंड टोन्स, तो आपने पुरानी मूवीज में कभी देखा होगा कि स्क्रीन पे जब हमारे बहुत ओल्ड टीवीज होते थे तो उसकी स्टार्टिंग ऑन होते ही हमारे पास ये ऐसे सा कुछ विंडो आती थी, बार एंड टोन्स, ऐसी बार एंड टोन्स आती थी, राइट। तो ये हम अपनी वीडियो में कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें बार एंड टोन्स मिलती है। नेक्स्ट ब्लैक वीडियो, राइट। जैसे सपोज कि हमें अपनी फुटेज पे नहीं, हमें एक ब्लैंक स्क्रीन पे, राइट, एक ब्लैक स्क्रीन पे टेक्स्ट डालना है तो ये ब्लैंक वीडियो है, ब्लैक कलर की। इस पे आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट डालने का तरीका वही सेम है। टी जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट करो और अपना टाइप कर दो कुछ भी, VFX, राइट। एंड आप इसको स्केल अप भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट है इसका अपने अकॉर्डिंग सेट करने के लिए। अपना मूव टूल सेलेक्ट करो एंड इसको स्ट्रेच करके ऊपर ले जाओ, राइट, जी जहां भी आपको रखना है वहां रखो। अपने अकॉर्डिंग इस लेयर को खोलो, अपने अकॉर्डिंग इसका रेगुलर फॉन्ट वगैरह जो भी, या फिर आपको जो भी चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग करो। जैसे सपोज मुझे चाहिए ये अपना, नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं है टेक्स्ट, राइट। जैसे सपोज मुझे ये करना है सेट, इन स्ट्रोक का कलर चेंज करना है मुझे, इनटू ग्रीन कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं लिटिल रेड साइड में, थोड़ा डार्क रेड दे देते हैं। तो अभी हमारी ब्लैक वीडियो के ऊपर हमारा टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। हम जब चाहें अपना कलर्स को चेंज कर सकते हैं, हम इस पे की भी लगा सकते हैं। वो की कैसे लगाते हैं ये मेरे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल से बताया हुआ है कि कैसे लगाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, न्यू आइटम कलर मेट। अभी तो क्या था कि हमें सिर्फ ये ब्लैक कलर की वीडियो मिली थी और हमने अपना टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई किया, राइट। अगर हम चाहते हैं किसी कोई हमें अपने अकॉर्डिंग कलर की कोई एक लेयर रखनी है, जैसे सपोज कि हमें यहाँ से सेलेक्ट किए तो जैसे सपोज कि हमें रेड ही बैकग्राउंड चाहिए या फिर हमें येलो बैकग्राउंड चाहिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, डन। तो ये हमारा ब्लैक के बाद ये स्क्रीन आ गई। हम इसके ऊपर टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं, टेक्स्ट ड्यूरेशन येलो, राइट। अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी कलर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हम टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं। और ये नीचे आपको ये न्यू आइटम्स में जितने भी हैं मैंने सब बताया आपको। हाँ, एक चीज रहेगी इसमें, ट्रांसपेरेंट वीडियो। ट्रांसपेरेंट वीडियो मतलब होगा बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगी, बट डिफॉल्ट हमारे पास बैकग्राउंड सेट जहाँ कुछ भी नहीं है वो ब्लैक है, राइट। तो न्यू आइटम पे जाते हैं, यूनिवर्सल काउंटिंग। आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि एक एक ब्लैंक वीडियो, कभी भी कोई मूवी स्टार्ट हो रही होती है तो ये इफेक्ट ज़्यादातर अप्लाई होता था पहले। इसमें क्या होता है कि ये काउंट डाउन आ जाता है आपका, देखो प्ले करके देखिए, इस तरीके से हम इसका भी यूज कर ही कहीं भी कर सकते हैं इसका यूज। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम क्रोमा कैसे रिमूव कर सकते हैं, प्रीमियर के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं क्रोमा रिमूव के। तो थैंक यू, मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।